वेलकम टू इला जोशी सी प्लस प्लस क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एरे यूजिंग स्टैक। आपको इस तरह से एग्जाम में एक क्लास बना के दी गई होगी जिसके अंदर एक एरे डिक्लेयर होगा, एक टॉप डिक्लेयर होगा, पब्लिक सेक्शन के अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा जो टॉप को सेट करेगा -1 पे, एक पुश फंक्शन होगा, एक पॉप फंक्शन होगा और एक डिस्प्ले फंक्शन होगा। और आपको एग्जाम में पुश या पॉप फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैक की टर्म्स को हम कैसे यूज करते हैं, स्टैक से मतलब क्या है। देखिए बेटा, मैंने स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट में ऑलरेडी ये बात एक्सप्लेन की हुई है कि स्टैक एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर और प्रोसेस करने का तरीका है जो फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि स्टैक जो है इस तरह का वन साइड ओपन रोड है। आपकी जो एंट्री होगी वो इस डायरेक्शन से होगी लेकिन आगे ये क्लोज है, तो जब आप एग्जिट करोगे तो भी यहीं से वापस एग्जिट करोगे। दैट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सबसे लास्ट में इन होगी वो सबसे पहले रिमूव होगी, इसीलिए इसे हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक की वो पोजीशन जहां पर हम इंसर्ट या रिमूव करते हैं उस पोजीशन को हम नाम देते हैं टॉप। ठीक है, स्टैक में जब हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इंसर्ट ऑपरेशन के लिए हम नाम यूज करते हैं स्पेसिफिकली पुश। अगर आपको स्टैक में पुश करने के लिए कहा जा रहा है दैट मीन्स आपको स्टैक में इंसर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, और अगर आपको स्टैक में पॉप करने के लिए कहा जा रहा है दैट मीन्स आपको स्टैक से एलिमेंट को डिलीट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि स्टैक को हम दो चीजों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूजिंग एरे एंड यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एरे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। बेटा जिस तरह से जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी स्टैक एम्प्टी होगी, एम्प्टी इंडिकेट करने के लिए इनिशियली टॉप कहां पर होता है -1 पे। कब? जब हम स्टैक यूजिंग एरे बना रहे हैं। रीजन, क्योंकि एरे में हमारा जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो जीरो पोजिशन से हो जाता है। अगर टॉप की वैल्यू जीरो होगी दैट मीन्स वी हैव वन एलिमेंट इन द स्टैक। हमारी स्टैक एम्प्टी है ये इंडिकेट करने के लिए आप टॉप को इनिशियली कहां पर रखते हैं -1 पे। अभी आपको मैंने क्लास दिखाई थी उसमें कंस्ट्रक्टर के अंदर टॉप को इनिशियली -1 पे रखा था, वो इसीलिए कि जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उस टाइप पे हमारी स्टैक एम्प्टी है ये इंडिकेट करने के लिए। अब बेटा हमें लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट स्टैक में इम्प्लीमेंट करना है, तो यानी इंसर्ट और डिलीट दोनों ही आपके एक एंड से परफॉर्म होंगे। कौन से एंड से? टॉप एंड से। अब हमें पुश फंक्शन की बॉडी डिफाइन अगर करने के लिए कहा जाता है तो एक तो हमारी क्लास टर्मिनेट हो चुकी है, हम क्लास से बाहर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, रिटर्निंग टाइप, नेम ऑफ द क्लास, स्कोप ऑपरेटर, नेम ऑफ द फंक्शन। बेटा जब हम इंसर्ट करने के लिए आते हैं तो पहले हमें टॉप को एम्प्टी पोजिशन पर ले जाना होता है। अगर मैं बिना इंक्रीज किए वैल्यू स्टोर करा दूंगी तो जिस पोजीशन पर टॉप है वहीं पर वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। हमने सबसे पहले टॉप को इंक्रीज किया ताकि टॉप कहां पर मूव कर जाए, एक एम्प्टी पोजीशन पे। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारे एरे में फ्री स्पेस है भी या नहीं, क्योंकि मैंने 10 एलिमेंट का एरे वहां पर लिया है तो मैक्सिमम मेरे एरे में कौन सी पोजिशन तक एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, 9 तक। अगर टॉप इंक्रीज होकर 10 हो जाता है दैट मीन्स वी डू नॉट हैव फ्री स्पेस। कंडीशन, इफ टॉप इक्वल टू 10, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि स्टैक फुल हो गई है, अब हम और एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, तो सी आउट ओवरफ्लो। जब इंसर्ट नहीं कर सकते तो आगे एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल यहीं से वापस कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, हम तो टॉप को इंक्रीज करके 10 पोजीशन पे ले जा चुके हैं लेकिन 10 पोजीशन पे तो एलिमेंट स्टोर ही नहीं हो सकता, इसीलिए रिटर्न करने से पहले टॉप को वापस एक स्टेप पीछे ले जाएंगे ताकि लास्ट स्टोर्ड एलिमेंट का इंडेक्स ही टॉप के पास रहे। अब करेंगे रिटर्न। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है दैट मीन्स वी हैव फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस है तो हम वैल्यू पुश कर सकते हैं, से आउट एंटर नंबर, सेम। कहां पर इनपुट कराना है बेटा?
एरे की टॉप पोजीशन पे, सी आउट नंबर इंसर्टेड। एक बार इसकी वर्किंग भी एक्सप्लेन कर देती हूं। सपोज कीजिए आपने फर्स्ट टाइम फंक्शन को कॉल किया, तो उस टाइम मेरे टॉप की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? -1। जैसे ही फंक्शन में आप आओगे टॉप की वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी? 0। टॉप इक्वल टू 10 कंडीशन फॉल्स, वैल्यू इनपुट होगी, एरे की टॉप पोजीशन पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। टॉप की पोजीशन क्या है? 0। नेक्स्ट टाइम कॉल करूंगी, फिर से टॉप की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1। आपकी बार कौन सी पोजीशन पर वैल्यू इनपुट हो जाएगी? फर्स्ट पे। नेक्स्ट टाइम अगर मैं पुश को फिर से कॉल करती हूं तो पहले टॉप की वैल्यू इंक्रीज होगी सेकंड पे, फिर चेक करेगा कि क्या सेकंड इक्वल टू 10 है। अगर नहीं है, कंडीशन ट्रू है, तो हम फिर से वैल्यू स्टोर कराएंगे। अगर हम इंसर्ट करते करते टॉप की वैल्यू अगर 9 हो चुकी है और तब मैं फंक्शन को कॉल करती हूं, दिस टाइम जब मैं कहूंगी टॉप प्लस प्लस, तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। 10 इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, ट्रू हो गया, दैट मीन्स ओवरफ्लो। तो पहले टॉप को वापस क्या करेगा? 9, ताकि टॉप उसी पोजीशन पर रहे जहां पर स्टैक का आखिरी एलिमेंट स्टोर है, और उसके बाद कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा। यह है हमारा पुश फंक्शन का कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉप फंक्शन। बेटा पॉप का मतलब होता है डिलीट करना। अगेन हम क्लास से बाहर पॉप को डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए आप पूरा नाम लिखेंगे, वॉइड क्लास का नाम, स्कोप पॉप फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिलीट कैसे करें। बेटा डिलीट करने की कंडीशन है, अगर हमारे स्टैक में एलिमेंट होगा तभी तो डिलीट करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि स्टैक में एलिमेंट है या नहीं? अगर टॉप पोजीशन में -1 है, इट मींस मेरी स्टैक क्या है? एम्प्टी। यहां पर आपका टॉप प्लस प्लस नहीं आएगा, बल्कि हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि अगर टॉप इक्वल टू -1 है, दैट मीन्स स्टैक क्या है? अंडरफ्लो, दैट मीन्स एम्प्टी। और एम्प्टी है तो एम्प्टी स्टैक से तो हम कुछ भी डिलीट कर नहीं सकते, हम कंट्रोल को यहीं से रिटर्न करा देंगे, ठीक है। अब बेटा एक बात याद रखिएगा कि हम कभी भी एरे से डिलीट नहीं कर सकते, हम एरे में वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हैं, खुद को एक पोजीशन को एक्सेस करने से रोक सकते हैं, बट डिलीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे एरे में एलिमेंट स्टोर हैं 10, 20, 30, मेरा टॉप फिलहाल इस पोजीशन पे, यानी कौन सी पोजीशन पे? 0, 1, 2 पे, और मुझे टॉप से वैल्यू डिलीट करनी है, तो मैं टॉप से वैल्यू को डिलीट तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं टॉप को एक स्टेप नीचे ले जा सकती हूँ, क्योंकि हम एक्सेस करेंगे तो कहां से एक्सेस करेंगे? टॉप से लेकर 0 तक। जब मेरा टॉप एक स्टेप पीछे चला गया तो ये एलिमेंट मेरे एरे में होने के बावजूद हम एक्सेस नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? हमें डिलीट करना है, यूजर को थोड़ी ना बताना है कि हमने टॉप की वैल्यू को डिक्रीज किया है। हम तो सीधा क्या कहेंगे, पहले जो प्रेजेंट वैल्यू है उसे डिस्प्ले करा देंगे, सी आउट ए टॉप डिलीटेड, और उसके बाद टॉप को माइनस माइनस कर देंगे। ऑटोमेटिकली मेरा टॉप एक स्टेप नीचे आ जाएगा, और अब जब नेक्स्ट टाइम हम स्टैक को एक्सेस करेंगे तो कहां से एक्सेस करेंगे? टॉप टू 0, यानी 1 to 0, यानी सेकंड पोजीशन पर 30 होने के बावजूद हम इसे वापस एक्सेस नहीं करेंगे, और जब हमें इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी तो हम इस पोजीशन पर वैल्यू को ओवरराइट कर देंगे। दैट इज हाउ वी परफॉर्म पॉप ऑपरेशन इन स्टैक। हालांकि कभी एग्जाम में आपको स्टैक का डिस्प्ले फंक्शन बनाने के लिए कहा नहीं जाता है, लेकिन अगर आपको कभी डिस्प्ले फंक्शन बनाने के लिए कह दिया जाए तो मैं वो कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आपको डिस्प्ले फंक्शन बनाने के लिए कहा गया तो सिर्फ यहां पर पॉप के बजाय क्या हो जाएगा? डिस्प्ले। सबसे पहले डिस्प्ले करते वक्त भी हम यही चीज चेक करेंगे कि हमारी स्टैक में कोई एलिमेंट है या नहीं, क्योंकि अगर टॉप -1 है तो मेरी स्टैक है एम्प्टी, और एम्प्टी स्टैक से हम कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर सकते। और इसके बाद मेरी स्टैक में अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो मेरी स्टैक में जितने भी एलिमेंट है सारे मुझे प्रिंट कराने हैं, कहां से कहां तक? टॉप पोजीशन से लेकर 0 पोजीशन तक के सारे एलिमेंट हमें डिस्प्ले कराने हैं, यानी लूप चलाना पड़ेगा। 4
इंट आई इक्वल टू टॉप। जीरो से नहीं चलाएंगे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट में वही दिखाना है कि एक एंड से वैल्यू इंसर्ट हो रही है, वहीं से रिमूव हो रही है, तो हमें वही एलिमेंट सबसे पहले डिस्प्ले कराना है जो कि टॉप पोजीशन पे है। कब तक करेंगे? जब तक कि आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और आई की वैल्यू क्या होती जाएगी आपकी? माइनस माइनस सी आउट ए आई स्टेटमेंट आपके स्टैक में जितने भी एलिमेंट है सबको डिस्प्ले कर देगा। बस बेटा याद यहाँ पर ये रखना कि हम इंसर्ट और रिमूव स्टैक यूजिंग एरे में दोनों ही एंड राइट से करते हैं ताकि हमें इंसर्ट और डिलीट करने के लिए ज्यादा ओवरहेड्स क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि एंड में वैल्यू इंसर्ट करना और रिमूव करना दोनों ही हमारे लिए इजी होता है। बस स्टैक में कौन सा मेथड फॉलो होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। पुश किस लिए यूज होता है? टू इंसर्ट। पॉप किस लिए यूज होता है? टू रिमूव। और डिस्प्ले का तो मतलब वही है कि हम स्टैक के सारे एलिमेंट्स को देखना चाहते हैं। उम्मीद करते हूँ स्टैक यूजिंग एरे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। बाय साहब।